ओवरऑल तो फार्मा इंडाइसेस ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। यदि आप पिछले 1 महीना देखें या 3 महीना देखें, जब मार्केट में 10% की तेजी आई है, ये 10% का इसने डाउनफॉल दिया है। इनफैक्ट पिछले 3 महीने का यदि निफ्टी जो फार्मा इंडाइसेस है वो करीब 12% डाउन है। तो एक ओवरऑल सेक्टर के लिए जो आउटलुक है वो निगेटिव बना हुआ है, और मुझे नहीं लगता कोई बहुत शॉर्ट टर्म में वो सब फॉर्च्यून उसके रिवाइव भी होंगे, क्योंकि जो सन फार्मा के जैसे नतीजे आए या ल्यूपिन की जो सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, तो अभी नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग आइडियाज़ है यहाँ पे। जैसे फिर भी एक आप एक दो काउंटर कॉल आपको लेना हो, तो जैसे केडिला के नंबर्स अच्छे आए हैं जो उम्मीद से बेहतर रहे हैं, या डिशमैन फार्मा के से भी काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, तो इन थोड़े स्टॉक्स में यदि किसी को बैट लेना है तो मेरा मानना है कि फ्रंटलाइनर को छोड़कर थोड़ा सा इन स्टॉक्स का केडला या डिशमैन की तरफ फिर भी बैट किया जा सकता है। बट ओवरऑल सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया है, और अगले 3-6 महीने मेरा मानना है अंडर परफॉर्मेंस जारी रहेगा। ठीक है, अगले 3-4 महीनों में अंडर परफॉर्मेंस थोड़ा जारी रह सकता है, ये अभी की एक और राय हमको मिल चुकी है। लेकिन हमारी कोशिश ये भी जानने की है कि यहाँ पे वैल्यू कहाँ पे छुपी हुई है। सुमित, वैसे तो बाजार के अंदर जब भी तेजी आती है ना, तो यूजली हम डिफेंसिव प्ले की बात ही नहीं करते, लेकिन ये तो अब सुपर डिफेंसिव हो चुके हैं। ये तो इतने डिफेंसिव हैं कि इनको अर्निंग के लिहाज से तो अब छोड़ ही दीजिए, ये वैल्यूएशन के लिहाज से बड़े अच्छे शेयर लगने लग गए हैं। अभी आप वैल्यूएशन के तौर पर कुछ कंपनी बता पाएंगे, या वैल्यूएशन आपने जज की है फार्मा की? शुक्रिया डिम्पी, देखिए आज 52 वीक्स लो हिट किया फार्मा स्पेस ने, जबकि बाजार अपना नया ऑल टाइम हाई हिट कर रहा है। नौ ऐसी फार्मा कंपनी है जिन्होंने आज अपना नया 52 हफ्ते का निचला स्तर छुआ, जिसमें सभी दिग्गज कंपनियां आप जिनका भी नाम ले लिए सब के सब शामिल हैं। रादर इस पूरे सेक्टर में पिछले 1 महीने में 15% तक की गिरावट भी देखी जा चुकी है। इसको आउट परफॉर्म करने वाले कई सारे ऐसे शेयर हैं जिन्होंने 15% ज़्यादा गिरावट दिखाई है इस महीने के दौरान। अब रही बात वैल्यूएशन की, तो अगर आप जिन भी रिपोर्ट्स को हमने रिफर किया है उन रिपोर्ट्स में हर वो चीज़ डिस्काउंट कर ली गई है जो इस कंपनी के साथ जुड़ी हुई है, चाहे सनफार्मा के खराब नतीजे हों, चाहे कैडिला के प्लांट्स हों, वोखार्ड के प्लांट्स हों, डॉक्टर रेड्डी के प्लांट्स हों, लूपिन के साथ इनके खराब नतीजे हों, इन सब चीज़ों को डिस्काउंट करने के बाद जो रिपोर्ट्स आई हैं उनको हमने आंकने की कोशिश की है। उनके लिहाज से देखा जाए तो सनफार्मा जिसमें लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जो कि आज ही नंबर्स के बाद आई है, उसके लिहाज से करीब 18 के मल्टीपल पर सनफार्मा कामकाज कर रहा है, करीब करीब 28 रुपये की ईपीएस के साथ। यानी कि इस खराब नतीजों में जहां 40-42 रुपये की ईपीएस होती थी सनफार्मा की, उसे डाउनग्रेड करने के बाद 27 रुपये की ईपीएस है और करीब 18 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। आमतौर पे अपने गुड टाइम्स में सनफार्मा 40-42 के मल्टीपल पे कामकाज करता था। इसके अलावा सिप्ला, लुपिन, औरोबिंदो फार्मा, ये वो 4 शेयर हैं जो कि 9 से लेके 19 के मल्टीपल के बीच में कामकाज कर रहे हैं। और इसके अलावा डिविस और डॉक्टर रेड्डीज दो और ऐसे नाम हैं जो कि करीब 13 और 14 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहे हैं। डिम्पी, सभी फ्रंटलाइन शेयर अगर आप देखेंगे तो 9 से लेके 19 के मल्टीपल पे मैक्सिमम कामकाज करते हुए, जबकि अपने गुड टाइम में ये सभी वो शेयर हैं जो कि 30 से लेके 40 के मल्टीपल पे आमतौर पर कामकाज करते थे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो देखने को मिला है वो ये कि अगर आप मिड कैप फार्मा कंपनियों पर नजर डालेंगे तो नेटको फार्मा, अजंता फार्मा जैसी कंपनियां वो कंपनियां हैं जहां पे एक बड़ा रनअप भी आ चुका है और वैल्यूएशन भी महंगे हो चुके हैं। यानी कि फ्रंटलाइन शेयर जो हैं वो सस्ते दाम पर अवेलेबल हैं और मिड कैप शेयर जो हैं वो थोड़े महंगे दाम पर अवेलेबल हैं इस समय। तो मौजूदा सिनेरियो में हर रिपोर्ट को या फिर हर चीज को डिस्काउंट करने के बाद भी देखा जाए तो फ्रंटलाइन शेयर जो हैं वो सस्ते हैं और मिड कैप शेयर जो हैं वो थोड़े से महंगे होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, मेरे को एक चीज बताइए, आपने ना हेडर पे ये लिखा था कि मौका या धोखा, तो मैं धोखा वर्ड को मिटा दूं, मौका है? अगर कोई भी लॉन्ग टर्म होराइजन लेकर चल रहा है और सभी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो को डिस्काउंट करने के बाद शेयर उठाना चाह रहा है तो ज़रूर मौका है। लेकिन अगर कोई शॉर्ट टर्म विज़न को लेकर और किसी भी प्लांट की खबर या नतीजों की खबर से इन्फ्लुएंस होता है तो उसके लिए ज़रूर धोखा है। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया सुमित आपका ये रिसर्च देने के लिए। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें हैं डिम्पी, एक तो ये फैक्ट है कि डेफिनेटली वैल्यूएशन वाइज ये स्टॉक अच्छे हो गए हैं, लेकिन एक एक आस्पेक्ट ये भी है कि ये स्टॉक्स भले ही इन लेवल से नीचे जा ना जाएं, लेकिन क्या ये अगले 6 महीने में इन लेवल से परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ग्रोथ इश्यूज तो अभी हैं। और दूसरा, ये जो मिड कैप या फिर दूसरी मिड कैप फार्मा कंपनीज की बात की सुमित ने कि वैल्यूएशंस रिच हैं, इस वक्त मार्केट को देख के लग नहीं रहा कि वो वैल्यूएशंस को वैल्यू कर रहा है, वो ग्रोथ को वैल्यू कर रहा है। तो ये बात भी आपके काफी हद तक ठीक इसलिए भी लग रही है क्योंकि अगर आप इंस्टीट्यूशंस का फ्लो देखेंगे ना, जो पैसा सेक्टर में आ रहा है, अच्छी वैल्यूएशन है तो एफआईएस को क्यों नहीं दिख रही? एग्जैक्टली, अच्छी वैल्यूएशन है, अच्छी ग्रोथ है, तो ये एफआईएस के लिए नोटिसेबल क्यों नहीं हो रही है? ये भी हमारा एक बेसिक क्वेश्चन है। हालांकि जो पी और ईपीएस के बेसिस पर सुमित ने हमको पूरा एनालिसिस करके बताया, और ये बात भी उनसे हमने इसलिए जानबूझ के पूछी थी कि ये मौका या धोखा तो नहीं होगा,
तो उनकी बात बिल्कुल ठीक है। आप प्लांट की खबर, न्यूज़ की खबर और नतीजों के दम पर अगर किसी शेयर को ले रहे हैं तो आपके हाथ धोखा लग सकता है। लेकिन आप प्योर वैल्यूएशन को लेना चाहते हैं, आप ये देख रहे हैं कि 1000 का सन फार्मा आज मेरे को 450 में मिल रहा है, 500 में मिल रहा है, तो शायद ये फिर मौका भी हो सकता है। ये मौका हो सकता है, रिटर्न आपको स्लो दे, लेकिन मौका है। ये ईपीएस पी और जो रिपोर्ट्स सुमित ने पढ़ी हैं ये उसकी बेसिस पर है। तो ये अलग अलग तरीके हैं पैमाइश करने के, लेकिन एक चीज तय है कि इस बाजार के अंदर एक मौका तो है फार्मा के अंदर, लेकिन वो कैसे मिलेगा ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फार्मा से निकल के कुछ एक एग्रेसिव स्टॉक्स पे आते हैं, वो है आज एफएमसीजी। एफएमसीजी के अंदर काफी स्ट्रांग मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं। आशीष, आपकी ही रिकमेंडेशन चाहिए। देखिए, आईटीसी के जब नंबर आए तो हमको लगा कि ठीक है, नंबर अच्छे है, बाजार के इनलाइन है। एचयूएल के नंबर आए, उम्मीद से बेहतर नंबर आए। ये सब कुछ इस मॉनसून की खबर, जीएसटी की खबर और बेहतर नतीजे, अब इस प्राइस पे डिस्काउंट हो गए हैं या फिर नहीं हुए, ये उन लोगों के लिए भी जवाब होगा जिनके पास पहले से पोजीशन है, और ये उन लोगों के लिए भी आपका जवाब होना चाहिए जो अभी बाय करना चाहते हैं। इसका जवाब देने से पहले, जो हम फार्मा सेक्टर का जब आप एनालिसिस कर रहे थे उसको ही मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा कि अभी जो मार्केट परचेज कर रहा है वो ग्रोथ परचेज कर रहा है, मार्केट वैल्यूएशन परचेज नहीं कर रहे। तो जैसे सन फार्मा का हम नतीजों की बात कर रहे थे, इतने खराब नतीजे हैं तो उसकी पिटाई होने ही वाली है, और जहां पर भी आप देखिए अच्छे नतीजे आए उस पर्टिकुलर कंपनी को या सेक्टर को रिवॉर्ड मिल रहा है। तो जैसे आईटीसी हुआ, एचयूएल हुआ या केरला के नतीजे अच्छे आए, तो उन सारे सेक्टर्स में इन्वेस्ट हो रहा है। तो अभी भी कोई बार्गेन हंटिंग जैसी पोजीशन फार्मा या दूसरे सेक्टर में जहाँ खराब नतीजे आएंगे तो वो नहीं होगी, और मेरा मानना है कि जहाँ पर भी नतीजे अच्छे आने वाले हैं, जहाँ ग्रोथ दिख रही है, वहाँ पर और अग्रेसिव बाइंग होगी। तो आईटीसी, एचयूएल एक इस बात का लाइव एग्जांपल है कि स्टॉक 52 वीक हाई पे ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन टच कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उसमें नई बाइंग इमर्ज हो रही है। तो मेरा सलाह रहेगी कि फार्मा के छोड़कर एफएमसीजी अभी एक बेटर बैट है।